ये देखें आप स्नो, कितनी ज्यादा स्नो है। वो पता चल मरी आए और बर्फ ना खाएं, ये तो हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? इस टाइम हम लोग नथिया गली से आगे आ गए हैं, तो मेरे साथ ये सारे भाई पहुंच गए हैं, कुछ बाइक आ रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बाइक पे रस्सी बांधने का क्या फ़ायदा होता है। चले आए, हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं। 8000 की वो लेनी। जिस टाइम हम लोग नथिया गली से आ गए हैं और मेरे साथ डॉक्टर अली जायद भाई, बिलाल भाई और इसके बाद ये हमारे जीलू भाई। जीलू भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो स्नो राइडिंग का क्या तजुर्बा है, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? ज्यादा जो मुझे आज मजा आया वो है मोटरसाइकिल पे रस्सी बांध के चलाने का। माशाल्लाह, आप यकीन माने कि मोटरसाइकिल अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली और बड़ा कंफर्टेबल हम इधर पहुंच गए। जायद भाई कैसा रहा आपका ट्रिप? माशाल्लाह, ट्रेल तो भाग क्या है आपको, तो रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी? बड़ी बड़ी थी लेकिन ये स्लिप हो रहा थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, लेकिन ये है कि मैनेज कर लिया स्लो स्लो, दूसरे गेयर में रख के आराम आराम से उतारा है और ले आए अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। बिलाल भाई आपका कैसा राइड रहा? रस्सी का फायदा है? रस्सी का नहीं, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है? नहीं, ऐसे आ जाए बगैर रस्सी के। ऐसे आएंगे तो टांगे ही टूटेंगे। डॉक्टर अली आप क्या कहना चाहेंगे जी? नहीं, रस्सी लगा कर है भाई। अच्छा अच्छा, कॉटन की रस्सी लगा, कॉटन की रस्सी लगा के? ये जूट की, जूट की। ठीक है जी, हम आपको बाद में कॉटन और जूट के बारे में बताते हैं वो क्या है। तो मैं आपको रस्सी जरा दिखा देता हूँ जी। ये रस्सी होती है, ये रस्सी बाइक के आप पीछे वाले टायर में और आगे वाले टायर पे लगा दें तो आपका बाइक जो है ना स्लिप नहीं करता बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं अभी हम बहुत ज़्यादा स्नो थी, अब ये देख सकते हैं कि साइडों पे कितनी पड़ी है स्नो। ये आप स्नो देखें और बिल्कुल फ्रेश है, ये देखें। और जो कुछ एरिया उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है तो उसमें आप रस्सी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रस्सी के बगैर गुजारा बहुत मुश्किल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अभी हम लोग नथिया गली से थोड़ा सा पीछे हैं, बस हम लोग पहुंचने लगे हैं इंशाल्लाह। तो नथिया गली पहुंच के आपसे इंशाल्लाह रब्ता करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।